हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, तो मेंस जो होगा एमपीपीएससी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला जो होगा हमारा ये पॉइंट कि कितने पेपर्स होने वाले हैं, उन पेपर्स का क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ उनका पैटर्न कैसा रहेगा, मतलब कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे, और ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये फर्स्ट बार है तो आपको प्रिपरेशन के दौरान ये पता होना चाहिए। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा हो सकता है। तीन प्रकार के जो क्वेश्चन पैटर्न हैं उसमें वर्ड लिमिट कैसी होने वाली है, तो वर्ड लिमिट और उनका क्या वेटेज रहेगा। और फिर उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन देंगे कि हमें मेंस के लिए मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस चेंज कर दिया है एमपीपीएससी में, इसमें हमारे टोटल 6 पेपर होने हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में मुझे ऑफिशियल वेबसाइट में इसका इंग्लिश मिला नहीं, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो पता होती हैं, ये अपना पेपर 1 है, जैसे कि ये पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है और पेपर 6 है। तो इस तरीके के 6 पेपर होंगे, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पेपर में आपको एक आध दिन का गैप मिल जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली संडे होगा। बट ऐसा नहीं होता है जैसा यूपीएससी एक दिन में 2 पेपर लेता है, एमपीपीएससी इस तरीके से नहीं लेता, ठीक है। नाउ पेपर 1 की बात हम करते हैं। पेपर 1 में आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा, तो आपको याद रखना है कि पेपर 1 आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। पेपर 2 है आपका जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी, तो इस बार सोशियोलॉजी भी एड ऑन किया है पॉलिटी इकोनॉमी के साथ। सोशियोलॉजी इसका सिलेबस है, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, बस आप ये देखिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर पेपर 3 है जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ये देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 ये सेम होंगे, लेकिन पेपर 3 का पैटर्न अलग रहेगा। पेपर 3 आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है, पेपर 4th जिसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन कहा गया है, इन शॉर्ट मैं कहूँ तो ये एथिक्स का पेपर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 5th पेपर है वो है सामान्य हिंदी और व्याकरण। सामान्य हिंदी और व्याकरण मतलब सिंपल हिंदी का पेपर है, लेकिन इसमें आपको ये चेंज देखने को मिलेगा कि इसमें मार्क्स 4th और 5th में आपको 200-200 मार्क्स के पेपर मिलेंगे। जो 6th पेपर है वो अपना ऐसे का होगा, निबंध लेखन और प्रारूप लेखन, फाइन। तो आपको पता चल गया कि 6 पेपर होने हैं जिसमें से 3 पेपर ऐसे होंगे जो 300 मार्क्स के हैं। 300 मार्क्स के कौन कौन से हैं? आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं जीएस में। फिर उसके बाद 200 मार्क्स के एथिक्स, हिंदी, और फिर 100 मार्क्स का एक पेपर ऐसा होगा लास्ट वाला जो ऐसे का होगा। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जीएस के जो पेपर हैं वो 300-300 मार्क्स के होंगे, जो एथिक्स का पेपर है और हिंदी का पेपर है वो 200 मार्क्स के होंगे, और जो ऐसे का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें सिर्फ एक चेंज और आपको है कि ऐसे में 100 मार्क्स का पेपर है और इन्होंने टाइम भी 2 घंटे दे रखा है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद 175 का इंटरव्यू होगा, जो टोटल मार्क्स होंगे वो 1575, ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैंने पेपर 2 से उठाया है। पेपर 2 से इसलिए उठाया है क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों का पैटर्न सेम है। पेपर 1 और पेपर 2 समझते हैं किस तरीके से। तो सामान्य हिंदी के दूसरे और पहले दोनों प्रश्न पत्रों की बात कर रहा हूँ, ये 2 खंडों में बटा रहेगा, 2 सेक्शन होंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि जैसे ये आपका मान लीजिए पेपर 1 है, या आप इसे पेपर 2 मान सकते हैं, ये 2 सेक्शन में आएगा, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, इस तरीके के 2 सेक्शन रहेंगे। प्रत्येक खंड 150 अंकों का होगा, तो ये 300 का पेपर है तो 150 ये और 150 ये। अब आपको एक ही दिन जाना है, तो जनरल इनका पेपर कैसे कंडक्ट होता है, ये एक साथ आपको 2 पेपर दे देते हैं, 3 घंटे का पेपर है आपको, जिसमें जितना जैसा यूटिलाइज करना है आप अपने मन से यूटिलाइज करते हैं। आगे की बात, तो 2 सेक्शन 150-150 नंबर के। फिर इसके बाद प्रत्येक खंड में 5 इकाइयाँ होंगी, मतलब ये जो 150 सेक्शन 1 ले रहा हूँ, सेम सेक्शन 2 है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। तो जैसे पेपर 1 में ये आपका हिस्ट्री हो जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 आपका दे देगा ज्योग्राफी, ठीक, इस तरीके से, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी। पेपर 2 में भी इसी तरीके से सब्जेक्ट बांट देगा। हर एक सेक्शन में
पांच इकाइयां होंगी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन फोर और क्वेश्चन फाइव, इस तरीके से पांच इकाइयों को हमने अभी क्वेश्चंस में बांट लिया कि हर एक सेक्शन में पांच क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से पेपर वन और पेपर टू में यहां पर भी पांच क्वेश्चन होंगे। यस ओके। प्रत्येक इकाई में तीन लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब अब मैं सिर्फ क्वेश्चन वन के अंदर देखूं तो फर्दर मुझे तीन अति लघु, मतलब थ्री शॉर्ट आंसर टाइप मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक इकाई में जो तीन क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, दो लघु उत्तरीय, दो आपको ये, एक मिनट, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, इसे वेरी शॉर्ट कर देते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, और यहां पर कर देते हैं दो शॉर्ट आंसर मिलेंगे हमें और एक लॉन्ग आंसर मिलेगा, एक लॉन्ग आंसर मिलेगा। तो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा है, जैसे क्वेश्चन वन में आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे, आठ, सॉरी 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से तीन आपके वेरी शॉर्ट होंगे, दो आपके शॉर्ट होंगे और एक आपका लॉन्ग आंसर होगा। फाइन ओके। अब जैसे हिस्ट्री में उन्होंने पूछ लिया, तो हिस्ट्री में जैसे पूछ लिया कि इक्तादारी सिस्टम क्या था, या फिर उन्होंने पूछ लिया इल्तुतमिश, या फिर एंशियंट में पूछ लिया घग्गर, या फिर पूछ लिया मोहनजोदाड़ो, तो आपको सिंपल वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस, तो वेरी शॉर्ट टाइप में इस तरीके से आ गया, शॉर्ट टाइप में आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में वो पूरा एकदम 2 पेज का फुल फ्लेश्ड आपसे एक्सपेक्ट करेगा। अभी हम देख लेते हैं इनकी मार्किंग स्कीम और वर्ड लिमिट क्या होने वाली है। ठीक ओके। प्रश्नों की संख्या के अनुसार कम या अधिक की जा सकती है। हाँ, एक चीज और है, अगर एमपीपीएससी चाहे तो ये क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, अभी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं उस पर बात कर रहा हूं। प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक होगा, यहां पर कितने क्वेश्चन थे आपके, 3। ठीक, और यहां पर हर एक के लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स, लघु उत्तरीय के लिए 5 और 11 अंक मिलेंगे। ओके, और दीर्घ प्रश्न के लिए आपको 11 अंक मिलेंगे। तो यहां पर वेरी शॉर्ट के लिए, हर एक के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आगे चलकर हम देखेंगे कि जो वेरी शॉर्ट आंसर हैं उनमें सिर्फ आपको एक या दो लाइन ही लिखनी है और उसके आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। शॉर्ट पर आ जाते हैं, हर एक शॉर्ट के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, हर एक शॉर्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग आंसर के लिए आपको 11 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रत्येक इकाई के लिए 30 अंक होंगे। देखिए, 3 3 9, मतलब शॉर्ट आंसर में आपको 9 नंबर, यहां पर आपको 10 नंबर, और यहां पर एक लॉन्ग आंसर के लिए 11 नंबर। तो ये टोटल कितने, एक एक इकाई, एक सेक्शन ए में जो पहली इकाई है वो आपकी टोटल हो जाएगी 30 मार्क्स की। यस, और इस तरीके से 5 इकाइयां, सेम यही पैटर्न आपका 2 में भी फॉलो होगा, 3 में भी फॉलो होगा, 4 में भी फॉलो होगा और 5 में भी फॉलो होगा। फिर यही चीज आपको सेक्शन बी में मिल जाएगी, सेक्शन बी में स्टिल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको 3 वेरी शॉर्ट आंसर मिलेंगे जो 3 3 मार्क्स के होंगे, 2 शॉर्ट आंसर मिलेंगे जो 5 5 मार्क्स के होंगे, और एक आपको लॉन्ग आंसर मिलेगा जो 11 मार्क्स का होगा, इस तरीके से 30। तो ये तो बात हो गई अपने पेपर वन और पेपर टू की, कि पेपर वन और पेपर टू में हमें किस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर थ्री में कैसा होगा। पेपर थ्री जो है हमारा, पेपर थ्री जो है वो भी 300 मार्क्स का ही है, और इसमें भी आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में, देखो तृतीय प्रश्न पत्र है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको फॉर्मेट कैसे मिलने वाला है। इसमें अलग अलग सेक्शन नहीं किया है इन्होंने, इन्होंने सीधे बोला है कि सेक्शन ए सेक्शन बी वाला नहीं, इसमें सीधे वो आपको 10 इकाइयां दे देंगे, मतलब मैं आपको 10 क्वेश्चन कर देता हूं, इस तरीके से 10 क्वेश्चन होंगे। यस ओके। प्रत्येक इकाई में 3 अति लघु, 3 वेरी शॉर्ट टाइप, 2 लघु उत्तरीय, 2 आपको शॉर्ट आंसर टाइप और 1 दीर्घ उत्तर मिलेगा। दीर्घ मतलब जिसमें लंबा चौड़ा लिखना होगा। यस, अब मैंने आपको पेपर वन और पेपर टू में
पेपर वन और पेपर टू में मैंने वर्ड लिमिट एक्सप्लेन नहीं किए, तो पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि एक क्वेश्चन में कैसा होगा, फिर मैं आपको चलकर वर्ड लिमिट एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और यहाँ पर वन लॉन्ग आंसर टाइप मिलेगा, तो ये आपको एक में ही कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर 6 क्वेश्चन। यहाँ पर भी हर एक यूनिट में आपको 6 क्वेश्चन मिल रहे थे, सिर्फ यहाँ पर पेपर थ्री में आपका सेक्शन दूसरा नहीं है, इन्होंने ऊपर जो 5 सेक्शन नीचे 5 सेक्शन रखने थे उन्हें कंबाइन कर इन्होंने सीधे सीधे 10 सेक्शन सीधे दे दिए। अच्छा, एक बात है जो पेपर वन पेपर टू और पेपर थ्री में कॉमन है, वो ये है कि वेरी शॉर्ट आंसर के लिए, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के लिए आपको 10 शब्द लिखने हैं। मैं एन एवरेज बता दूं तो 10 शब्द का मतलब है एक लाइन या डेढ़ लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और आप लिखिएगा भी मत, अभी से आप प्रैक्टिस करिए कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, आप डेढ़ लाइन ज़्यादा से ज़्यादा, 10 वर्ड ठीक है। जो आपके शॉर्ट आंसर होंगे उसमें 50 का मतलब है 5 से 6 लाइन। अब जो इन्विजिलेटर है ना, वो आपके एक एक वर्ड काउंट करते नहीं बैठेगा, वो सिर्फ देखेगा कि हाँ भाई 5-6 लाइनों में लिखा है, एन एवरेज 50 के बीच में मान लेता है वो। और जो लॉन्ग आंसर है उसमें 200 तो अब यहां पर पेपर वाइज कैसे जो आपको फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट में आपको 1 से 2 लाइनों में इसे निपटाना है, 5 से 6 लाइनों में शॉर्ट आंसर, और 18 से 22 लाइन, 18 से 22 लाइंस में आप अपने 200 वर्ड लिमिट को पूरा कर देंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक वर्ड को काउंट करते रहते हैं, सर ज़्यादा हो रहा है, सर कम हो रहा है, उसके पीछे आप टेंशन ना लें, आप सीधे सीधे ये मानकर चलें 10 लाइन इक्वलेंट्स टू 10 वर्ड्स इक्वल टू 1 लाइन। आपने सिंपल लाइन लिखनी है और लाइन लिखने के बाद आपको आगे चल देना है, उतना टाइम ही नहीं होता कि एक एक, कौन दिमाग में इतना रखता है। ठीक है, सेकेंड पेपर फर्स्ट और सेकेंड पेपर क्लियर हो गया, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। वेरी शॉर्ट के लिए आपको एक लाइन लिखनी है, शॉर्ट के लिए आपको 5 लाइनें लिखनी है, और लॉन्ग के लिए आपको 20 लाइनें लिखनी है। वेरी शॉर्ट के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, शॉर्ट के लिए आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर आपको 11 मार्क्स मिल रहे हैं। तो देखिए वेरी शॉर्ट का इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है। फाइन, आगे चलते हैं। यहाँ पर जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में आते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर में भी आप देखेंगे कि फॉर्मेट तो वैसा ही है, इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया है, सेक्शन अलग अलग डिवाइड नहीं किए। तो प्रत्येक शॉर्ट आंसर के लिए, वेरी शॉर्ट के लिए इन्होंने 3 मार्क्स रखे हैं, शॉर्ट के लिए 5 मार्क्स रखे हैं, और लॉन्ग के लिए इन्होंने 11 मार्क्स रखे हैं। मतलब इसमें भी हर एक यूनिट आपकी 30 मार्क्स की होने वाली है, 10 यूनिट होंगी, तो इस तरीके से 30 × 10 आपका 300 मार्क्स का पेपर ये भी होगा। घंटे कितने हैं, 3 घंटे ही हैं। ओके, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी सारा पैटर्न वैसा ही रहेगा। तो आपको समझ आ गया, पेपर वन क्लियर हो गया, पेपर टू क्लियर हो गया, पेपर थ्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला था उसमें सेक्शन नहीं है, सीधे सीधे दिया है। पेपर फोर पर आते हैं, पेपर फोर भी आपका 3 घंटे का है, लेकिन पेपर फोर जो है वो आपका एथिक्स का है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन शॉर्ट हम बोलते हैं, एथिक्स का पेपर बस मानिए। इसमें क्या होगा, फोर्थ पेपर में इन्होंने 5 इकाइयां रखी हैं, सिर्फ 5 यूनिट रखी हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर में इन्होंने 2 सेक्शन रखे थे, थर्ड वाले में इन्होंने सेक्शन हटाया, सीधे 10 क्वेश्चन किए। यहाँ पर इन्होंने 5 इकाइयां रखी हैं, मतलब मैं 5 क्वेश्चन मान लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन क्लियर है। एथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए आपको कितने टाइम कितना मिल रहा है, 3 घंटे, मतलब उतना ही टाइम मिलेगा जितना पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री में मिला है, टाइम 3 आवर्स ही मिलेगा पेपर फोर में भी, लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 300 की जगह 200 होंगे। ठीक, ओके, तो फोर्थ पेपर को हम देखते हैं, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित हो गए, जिसमें से पहली चार इकाइयाँ मतलब क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये आपके डिफरेंट रहेंगे, और फिफ्थ वाला आपका डिफरेंट रहेगा। फाइन, ओके, देखते हैं 1, 2, 3, 4 कैसा है। प्रथम से चतुर्थ इकाई तक प्रत्येक इकाई में 5 अति लघु, अभी हमने ऊपर क्या देखा था, वेरी शॉर्ट के लिए ऊपर कितने थे, ऊपर 3 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर वेरी शॉर्ट के लिए 5 वेरी शॉर्ट टाइप, 5 वेरी शॉर्ट रहेंगे, 2 आपके शॉर्ट टाइप रहेंगे और 1 आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। कहाँ पर क्वेश्चन बढ़ गए आपके, यहाँ पर 6 क्वेश्चन एक
एक ही क्वेश्चन में आपके 6 अलग अलग क्वेश्चंस थे, यहां पर एक ही क्वेश्चन में आपके 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यस 5 6 7 8 यस प्रथम से ओके ठीक। प्रथम से चतुर्थ इकाई प्रत्येक इकाई में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ये आपको समझ आ रहा है जो चेंज इन्होंने किया है? वेरी शॉर्ट के लिए यहां पर आपको एथिक्स के पेपर में 2 मार्क्स मिल रहे हैं, बल्कि ऊपर वाले पेपर में वेरी शॉर्ट के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे थे। ठीक है, तो यहां पर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आपको शब्द सीमा घटानी बढ़ानी नहीं है, उतना ही यहां पर भी वेरी शॉर्ट के लिए 1 लाइन, शॉर्ट के लिए 5 लाइन, लॉन्ग के लिए 20 लाइन। लेकिन यहां पर मार्क्स आपके 2 रहेंगे, तो कितने मार्क्स हो गए? 10। इसके बाद है 5 अंक, एक मिनट, लघु के लिए मतलब शॉर्ट आंसर के लिए इन्होंने 5 मार्क्स रख रखे हैं, और जो लॉन्ग आंसर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहां पर इन्होंने वेटेज बढ़ा दिया है, यहां पर इन्होंने रखा है 20। जबकि हम ऊपर क्या देख रहे थे, यहां पर देखिए, यहां पर लॉन्ग आंसर पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 में जो लॉन्ग आंसर था उसके लिए 11 मार्क्स मिल रहे थे, यहां पर 20 मार्क्स दिए जा रहे हैं। प्रत्येक दीर्घ प्रश्न के लिए 20 मार्क्स दिए जा रहे हैं। कितने मार्क्स हो गए? तो यहां पर काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हो गया 10 मार्क्स, यहां पर हो गया 10 मार्क्स, और यहां पर हो गया 20 मार्क्स। मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 ये आपके 40 40 मार्क्स के रहेंगे, तो 40 × 4 160 मार्क्स ये हो गए। टोटल कितना नंबर मिलना था आपको? टोटल आपको मार्क्स मिलने थे 3 घंटे में, टोटल मार्क्स मिलने थे 200। स्टिल अभी जो 40 मार्क्स हमारे बच गए हैं वो कहाँ पर हैं? ठीक है, तो 1 2 3 4 क्लियर हो गया। मैं एथिक्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, इसे 2 बार 3 बार सुनना जिससे दिमाग में फॉर्मेट क्लियर हो जाए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जो अपना 5th पेपर होगा उसमें 2 केस स्टडी होंगी, जैसे यहाँ पर मैं एक केस स्टडी सी ए बोल देता हूँ, एक केस स्टडी सी बी बोल देता हूँ, और दोनों आपकी 20 20 मार्क्स की होंगी। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 2 3 4 में जो लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं वो, और यहां पर लास्ट में दोनों ही एज अ लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं, मतलब दोनों आपको दो दो पेज में लिखने हैं, 20 20 लाइन्स आप मानकर चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक के लिए 20 20 मार्क्स हैं, और यहां पर आपको 40 मार्क्स, तो इस तरीके से पूरा पेपर आपका 200 मार्क्स का होगा। टाइम कितना है? 3 घंटे। लिखना ज्यादा है, टाइम उतना ही दे रहे हैं, वर्ल्ड लिमिट में कोई छेड़छाड़ नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल एज इट इज है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैंने 4 पेपर बता दिए, पेपर 1 और पेपर 2 एक जैसा होगा, फॉर्मेट ऊपर बता दिया, उसमें एक्स्ट्रा है सेक्शन। पेपर 3 और पेपर 4 ये भी आपका 3 3 घंटे का होगा, लेकिन पेपर 4 में आपका 200 नंबर रखा है, 200 मार्क्स रखा है। इसमें क्वेश्चंस इन्होंने थोड़े से बढ़ा दिए हैं, पेपर में क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, मार्क्स आपको कितने दे रहा है ये 200, तो क्वेश्चन भी बढ़ा दिए हैं, मार्क्स भी कम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम 5th में। तो 5th जो है हमारा, वो हमारा हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी लैंग्वेज में। पंचम प्रश्न पत्र समान हिंदी और व्याकरण का होगा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है मध्य प्रदेश स्टेट की, इसलिए अलग से हिंदी का पेपर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय कुल 25 प्रश्न होंगे प्रथम प्रश्न में। तो यहां पर देखिए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं हिंदी में? 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन में हर एक में उन्होंने डिफाइन कर रखा है, और इससे बाहर नहीं जाएगा, प्री बाहर नहीं गया है सिलेबस से, ये भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? क्वेश्चन 1 आपके 25 वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, 25 ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, और ये 25 एक क्वेश्चन के अंदर आपको 25 अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। सेकंड वाले पर आ जाते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपके अलंकारों से जुड़ा होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 का होगा। ठीक है,
दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर एक प्रश्न 5 का होगा, तो आपको पता चल गया ये वेरी शॉर्ट टाइप नहीं है, ये शॉर्ट टाइप है। 10 मार्क्स यहाँ पर क्लियर हो गए, यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 75 मार्क्स। अच्छा, हमने टाइम और पूर्णांक तो देखा ही नहीं, ये भी आपका पेपर 4 की तरह 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे में ही होगा। ये हो गया। थर्ड पर आ जाते हैं, तृतीय प्रश्न पत्र में 2 उप प्रश्न होंगे। अब क्वेश्चन 3 को इन्होंने क्या किया, हिंदी वाले, इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, मैं इसे ए बी कर देता हूं। इसमें क्या होगा कि आपका अनुवाद होगा, इसमें जो 20 मार्क्स का होगा वो हिंदी से इंग्लिश में होगा और जो 15 मार्क्स का होगा वो इंग्लिश से हिंदी में होगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका 35 मार्क्स का होगा। चतुर्थ प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे, जिसमें संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि आएंगे। तो इसमें उन्होंने संधि, समास, विराम चिन्ह वगैरह दे दिए। इसमें कुल 20 मार्क्स इन्होंने दिया है। इन्होंने क्वेश्चन क्लियर नहीं किए, इन्होंने ये बोला है कि प्रश्न इससे पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। तो आप 20 मार्क्स का एक अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं जो कि 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हों, या हो सकता है कि एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछ लें। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 10-10 मार्क्स के, ये 2-2 मार्क्स के ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आपको पॉइंट क्लियर है, संधि, समास, विराम चिन्ह। इसके बाद फिफ्थ पर आ जाते हैं, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन होगा वो शब्दावली और व्याकरण से होगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट में यूज़ होने वाली बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसमें पूछी जाती हैं, तो ये भी आपका स्टिल 20 मार्क्स का होगा। देख लो पढ़ना कितना ज़्यादा है, मैं ये बता रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो इसे 2-3 महीने बाद देख रहे होंगे, या हो सकता है कुछ लोग 6 महीने बाद देख रहे हों। ठीक है, बट जिनके पास ये वीडियो पहले पहुँच रहा है वो पहले पढ़ाई शुरू कर दें। तो 20 मार्क्स क्लियर हो गए इसमें। फिर उसके बाद आती है क्वेश्चन 6 की बात। क्वेश्चन 6 आपका अपठित गद्यांश होता है। सिंपल आपका आएगा पैराग्राफ, आप उसे पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ये भी 20 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन 7 पर आ जाते हैं, पल्लवन और भाव पल्लवन। लंबा चौड़ा दिया होगा, आपको इन शॉर्ट लिखना है कि उसका मतलब क्या है। पल्लवन का मतलब है फैलाना, थोड़ा सा दिया होगा उसमें, ज्यादा खुद से बनाकर लिखना है, लेकिन ये होगा 10 मार्क्स का। और क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं, ये भी गद्यांश पर होगा और गद्यांश के संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब होता है उसको संक्षिप्त फॉर्म में लिखिए, इन शॉर्ट लिखिए। ठीक है, ये कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 110, 115, 115 के बाद 85 प्लस करिए, आपका आ गया 200। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पर वेरी शॉर्ट है तो वेरी शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट है तो शॉर्ट, और बाकियों में जो आपका दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अगर मार्क्स आप देख लीजिएगा कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं उस तरीके से, अगर कोई फॉर्मेट आता है उसके बाद तो मैं उस फॉर्मेट में डाल दूंगा। तो फिफ्थ पेपर आपको क्लियर हो गया। सिक्स्थ पेपर पर आ जाते हैं, जो अपना सिक्स्थ पेपर है इसमें आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 घंटे 200 मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 घंटे मिलेंगे और इन्होंने मार्क्स भी 100 रखे हैं। मैं फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि आप ऐसे लिखते हैं, हिंदी निबंध प्रारूप लेखन। प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1, 2 और 3। क्रमांक 1 में निबंध होगा, किसी भी विषय पर आपको 1000 वर्ड में, मतलब पहला वाला जो निबंध है वो 1000 वर्ड का होगा। आंतरिक विकल्प होंगे डेफिनेटली, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस में लिखना है, बट ये 50 मार्क्स का एक निबंध होगा। बाकी दोनों 25-25 चले गए। तो सेकंड वाले में फिर आपको एक और निबंध दिया जाएगा जिसे आपको 500 मार्क्स में लिखना है। ये लिखा आपने 500 मार्क्स में और इसके लिए आपको 25 मार्क्स मिलने वाले हैं। जो थर्ड है, थर्ड वाला अगेन क्वेश्चन थर्ड है, ये प्रारूप लेखन से संबंधित है और इसमें फर्दर आपको 2 प्रारूप दिए जाएंगे। टाइम देख रहे हो ना, टाइम 2 घंटे ही है। 2 प्रारूप लेखन हिंदी में करना होगा, प्रत्येक प्रारूप में आदर्श शब्द सीमा 25। तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें आपको 10 वर्ड्स के लिए या एक लाइन के लिए आपको एक नंबर मिल रहा है, ऐसा मानकर चलें। ठीक, ओके, 25 यहाँ पर कितना हो गया, 50 हो गया, ये हो गया बचा हुआ 25।
अब यहां पर आपको 25 अंक इन दोनों के लिए दिए जा रहे हैं, दो प्रारूप लेखन है, इन दोनों का मिलाकर 25, तो हो सकता है कि वो 10-15 का कर दें, हो सकता है कि 12-13 का कर दें, हो सकता है कि 12.5-12.5 का कर दें, ये उनकी मार्किंग स्कीम है। इस पर उन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। दो प्रारूप लेखन हिंदी में करने होंगे, प्रत्येक में आदर्श सीमा 250 वर्ड्स होगी, प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा, मतलब दो चीजें दी हैं इनमें से कोई एक चूज करना, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर नीचे किए जा सकते हैं। दोस्तों ये है पूरा फॉर्मेट आपके 6 के 6 का, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। 6 पेपर होंगे, इसमें आपने क्या क्या देख लिया, जिसमें आपके शुरू के 5 पेपर ये 3 घंटे के होंगे, यस यहाँ पर देखकर बताते जाओ। लास्ट वाला पेपर आपका 2 घंटे का होगा, जो निबंध वाला होगा। अच्छा, इसमें जो शुरू के 2 पेपर होंगे उसमें सेक्शन होंगे, जैसे उन्होंने हिस्ट्री और भूगोल के बीच में, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बीच में दे दिया। सेकंड वाला आपका पॉलिटी और इकोनॉमी एंड सोशोलॉजी, ये दूसरा सेक्शन बनाएगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके आगे आपको सेक्शंस नहीं मिलेंगे, यस यहाँ पर आपने देखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज़ ऊपर वाले की तरह, 3 घंटे मिलेंगे और 300 मार्क्स। लेकिन फोर्थ जो पेपर है वो आपका एथिक्स और इंटीग्रिटी का है, लिखना ज़्यादा है, क्वेश्चन क्या कैसे रहेंगे, इसके एक फॉर्मेट अपने पास फॉर्मेट बनाकर लिख लो, और टेलीग्राम का लिंक है उसमें अगर आप शेयर कर दोगे तो मैं बाकी बच्चों तक भी पहुँचा पाऊँगा, फाइन। तो इस तरीके से ये 3 घंटे हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको 200 ही नंबर मिलने हैं, यहाँ पर भी 3 घंटे और 200 मार्क्स, तो आपको पता है कि 300 मार्क्स के 3 पेपर होने हैं, 2 पेपर आपके 200 मार्क्स के होने हैं, और यहाँ पर 3-3 घंटे के, लेकिन लास्ट वाला आपका 2 घंटे का होगा और यहाँ पर 100 मार्क्स मिलने हैं। ये है पूरा फॉर्मेट, आप सिलेबस देख सकते हैं, मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ मेंस की, उसमें मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, तो आपको वहाँ पर पता चलता जाएगा कि किस किस तरीके के ये सिलेबस का पैटर्न है। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कमेंट सेक्शन तो है, चलो थैंक यू। तो बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अच्छा है, और इसे बार बार सुनिए, 8-10 बार सुनिए, जिससे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जाए। x2 की स्पीड में सुनिए, 1.5 की स्पीड में सुनिए, जैसे भी सुनना हो, पर इसे 8-10 बार सुन लीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।